लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। जी सभी लोगों को नमस्कार और लीगल रिपोर्टर के इस वेबिनार में आपका स्वागत है। इस वेबिनार के माध्यम से हम आज बात करने जा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं कि जो लॉकडाउन के दौरान लगातार हमको खबरें मिल रही हैं कि सैलरीज कट हो रही हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं और तमाम इसी तरह की समस्याओं से लोग रूबरू हो रहे हैं। थोड़ी देर के पहले ही अभी खबर आई है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी 10% सैलरी कट का ऐलान कर दिया है और इस तरह की सैकड़ों कंपनीज हैं जो इस तरह का ऐलान कर रही हैं। हालांकि सरकार ने अनुरोध किया था कि वो अपने एम्प्लॉयज को, लोग अपने जो कंपनियां हैं अगर फायदे में है तो वो अपने एम्प्लॉयज को लगातार इसमें सैलरी दें, लेकिन जमीनी स्तर पे कितना देखने को आ रहा है वो तो खबरें निश्चित रूप से बता रही है। हमारे साथ इसी परिचर्चा में शामिल होने के लिए संजय पारिक साहब जुड़ गए हैं। संजय पारिक साहब, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? तो मैं यहाँ पर सबसे पहले संजय पारिक साहब का परिचय करा दूं। संजय पारिक साहब सुप्रीम कोर्ट में सीनियर डेजिग्नेट एडवोकेट हैं। इसके साथ ही संजय पारिक साहब का एक लंबा अनुभव पीयूसीएल से जुड़ा रहा है, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, लेबर्स के, मजदूरों के हकों की बात करने के लिए तमाम जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल होती हैं उसमें संजय साहब पेश होते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो संजय जी, मेरा पहला क्वेश्चन तो आपसे ये रहेगा, थोड़ा सा बेसिक आप कानून का इंटरप्रिटेशन कर दें। जिस तरह की सिचुएशन चल रही है और कानून जो लेबर्स को लेकर, मैं खासकर लॉकडाउन और लेबर्स लॉ उसको मिलाकर मैं थोड़ा सा आपसे चाहता हूं कि आपकी एक इनिशियल टिप्पणी हो जाए कि कानून क्या कहता है उन अधिकारों के बारे में। जी संजय जी। जी पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपने इस बात को देखा होगा कि जो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है जी, उसने जो लेबर के हित के जितने भी कानून हैं उनको जगह जगह डाइल्यूट करने की बात कही है और एक डॉक्यूमेंट भी तैयार किया कि किस तरीके से जो मजदूरों को हक मिलते हैं उन हकों को, अब ये बात जानते हुए कि इंडस्ट्रीज को इससे फायदा नहीं होता, उनको किस तरह से डाइल्यूट किया जाए। और ये भी कि जो पहले पूरा का पूरा डेवलपमेंट हुआ था लॉ का हायर एंड फायर के अगेंस्ट में कि मजदूरों के अधिकार हैं, उसको दोबारा लाने की बातचीत लॉकडाउन से पहले ही शुरू हो गई थी। लॉकडाउन की स्थिति में ऐसा नहीं है कि हम, जैसे मैंने पहले आपके शो में बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन के जितने राइट्स हैं वो खत्म हो गए हैं, फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गए हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि जो वर्कमैन है उनके राइट्स कहीं सस्पेंड हुए हैं, खत्म हुए हैं। लेकिन अभी की स्थिति में, जबकि शुरू में गवर्नमेंट ने बोला था कि मजदूरों के किसी भी हित को इससे प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा, जो उनके अधिकार हैं, जो उनको वेजेस मिलते हैं उन वेजेस के अंदर कोई भी कट नहीं हो। हाँ तो संजय जी, महत्वपूर्ण बात आपने ये कही कि लॉकडाउन के पहले की भी स्थिति कोई ऐसा बेहतर स्थिति नहीं थी। जहां तक एम्प्लॉयज की बात करें, इंडस्ट्रियल जो डिस्प्यूट एक्ट है उसके अंतर्गत जिस तरह के पार्टिसिपेशन जो एम्प्लॉयज का है और उनके अधिकारों की बात की जाती है, हम पहले ही से ही उस संघर्ष में थे और लॉकडाउन ने स्थिति को और बदतर किया है और गंभीर कर दिया। जी जी संजय जी, मैं स्पष्ट रूप से आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज की स्थिति में, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया, आज की स्थिति में जहां कानून एक तरह से कह सकते हैं अदालतें फंक्शन बिल्कुल नहीं कर रही हैं, अदालतों का काम बिल्कुल बंद है, ग्राउंड के स्तर पे अदालतें नहीं दिख रही है, उस स्थिति में आप लोग क्या करें? जी जी, मैंने इसके बारे में सोचा आपने जब मुझे सवेरे बताया था। जी जी, पहली बात तो ये कि जब अदालतें फंक्शन भी करती हैं, काम भी करती हैं, उस समय भी अगर किसी वर्कमैन का रिट्रेंचमेंट हो जाता है, छटनी हो जाती है, तो उसको उसके खिलाफ उसकी जो 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 इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के अंदर जो उसकी पिटीशन होती है या बाद में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक, उसमें दसों बस लग जाते हैं। अभी की स्थिति के अंदर हमें ये देखना चाहिए कि अगर मान लीजिए रिट्रेंचमेंट की आज हम कहें भी कि हमारे कानून है और कोर्ट चलना भी शुरू हो जाए तो भी उनको रिलीफ मिलने में सालों लग जाएंगे। अभी की स्थिति में जो दायित्व है वो सरकार का, जैसे इन्होंने अभी ऑर्डिनेंस लेकर के आए थे कि अगर किसी के ऊपर हमला हो रहा है तो हम उनके खिलाफ इस तरह से कार्रवाई करेंगे, एक ऑर्डिनेंस लाने चाहिए इनको,
जैसा इन्होंने शुरू में बोला था वो ऑर्डिनेंस सब जगह एप्लीकेबल हो और वर्कर्स के राइट्स को उस ऑर्डिनेंस के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाए, एम्प्लॉयज के राइट्स को उसके थ्रू प्रोटेक्ट किया जाए, और जहां स्टेट गवर्नमेंट्स को इस तरह के करने तो स्टेट गवर्नमेंट भी इस तरह के अपने कानून लेकर के आए, वो बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि जो जितने भी कानून हैं इनसे संबंधित इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हुआ, और दूसरा जैसे रिट्रेंचमेंट किसी को कर दिया, मान लीजिए 200-250 लोगों को निकाल दिया, अगर वो जाते भी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में या लेबर कोर्ट में, उनके फैसले होने में सालों लग जाएंगे, उस वहां तक तो बेचारे मर लेंगे, मतलब उनके पास कुछ रहेगा नहीं। अभी की स्थिति के अंदर, मैं सिर्फ अभी की स्थिति की बात कर रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है कि सरकार एक ऑर्डिनेंस ला करके इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे। संजय जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूं, एक एम्प्लॉय जो होता है किसी वर्कर, किसी कंपनी में, प्राइवेट निजी कंपनी में, जी वर्कमैन जिसे डेफिनेशन में कहा जाता है, उसको उसकी एक तो डेफिनेशन अभी कानून में क्या है, वो डेफिनेशन क्या 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 कहलाती है, वो जरा बता जी। देखिए वर्कमैन की तो अगर मान लो कोई वहां काम कर रहा है, साल भर से काम कर रहा है, तो वर्कमैन की डेफिनेशन में आता है, और उसको रिट्रेंच करने से पहले उनको जो नोटिस देना पड़ता है, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, एक महीने का नोटिस, उसके अलावा एक महीने की तनख्वाह अगर वो नोटिस नहीं दे रहा है, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन जो उसकी बाकी सर्विस का रहता है वो भुगतान करके, और रीजंस वगैरह देने पड़ते हैं कि अगर हम किसी की छटनी कर रहे हैं, ये फिलहाल कानून के अंदर उसकी परिभाषा में आता है। लेकिन देखिए अभी हम परिभाषाओं में नहीं जा सकते, अभी की स्थिति ऐसी है जो परिभाषाओं में जाने वाली नहीं है। अभी तो स्थिति यह है कि जो लोग जहां पर काम कर रहे हैं और जिनको सैलरी मिल रही है जी, और उस वो ऐसे हैं जो 8 साल से, 10 साल से, 5 साल से, 6 साल से काम कर रहे हैं जी, तो वो लोग वर्कमैन की डेफिनेशन की कोई बात ही नहीं है। वक्त तो ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा देने को नहीं, तो हम आपको छटनी कर रहे हैं, और पैसा नहीं होने के कारण छटनी करना, वो तो सारा यूनिवर्सली सभी लोग बोलेंगे, तो इसका मतलब है कि अगर सबकी छटनी कर दी जाए इस स्थिति के अंदर तो कोई रहेगा नहीं। मान लीजिए वो अभी कानून के दायरे में, जैसे ही मैंने आपको बताया, आते भी हैं और पिटीशन फाइल भी करते हैं कि नहीं हम लोग को छटनी आप नहीं कर सकते, गलत किया, उसके एडजुडिकेशन के अंदर सालों लग जाएंगे। तो अभी की स्थिति में देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, और गवर्नमेंट ने जब ये कहा कि हम ये लॉकडाउन कर रहे हैं, और लॉकडाउन की स्थिति में आप लोग अपने घर के घर से बाहर नहीं निकल सकते, और आप अपने काम पर नहीं जा सकते, और जो फैक्ट्रीज है वो भी बंद हो रही है, ऐसी स्थिति के अंदर जो जरूरी बात है वो ये है कि उनको कानून लेकर के ऑर्डिनेंस के थ्रू आना चाहिए और इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए कि कोई भी जो वर्कमैन है उसकी छटनी नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर तो स्थिति और भी बहुत बहुत खराब है, उसके अंदर तो उसका कोई मतलब, उसका किस तरीके से जीवन यापन होगा, किस तरह से उनको वेजेस मिलेंगे, इसका कोई तय नहीं है। बाकी आपने माइग्रेंट वर्कर्स का तो देख ही लिया, सरकारी और गैर सरकारी में कितना डिफरेंस आप कानूनी मानते हैं, कानूनी रूप से कितना डिफरेंस है जी? जा सरकारी जितने भी तबके होते हैं, सरकारी तबके के अंदर, क्योंकि वहां पर जो या जो आर्टिकल 12 के अंदर आते हैं, जिससे हम बोलते हैं कि जो सरकार जिन इंस्टीट्यूशंस को रन करती है जी, या तो 100% कंट्रीब्यूशन होता है या कोई कानून के जरिए वो सारे इंस्टीट्यूशंस को चलाया जाता है, तो ये जो होते हैं वो स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। यहाँ पर जो कर्मचारी होते हैं, जो वर्कमैन होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उन लोगों को जो रिट रेमेडीज हमारी होती हैं कि हाई कोर्ट के अंदर जाकर के रिट पिटीशन को फाइल करना, या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली तो नहीं करेंगे लेकिन हाई कोर्ट के अंदर आप वो रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। जबकि जो प्राइवेट तबके के होते हैं जी, वहां पर अगर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो तो उसके लिए उनको लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल कोर्ट के अंदर जाना पड़ता है, डायरेक्टली वो हाई कोर्ट के अंदर नहीं आ सकते। तो उनके ऊपर जो सरकारी तबके के हैं उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, और ये जो गैर सरकारी हैं उनमें वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं है, उसके अंदर लीगल प्रोटेक्शन है, और जो लॉ रेमेडी प्रोवाइड करता है वो उसको अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर अवधेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो अपना कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। अवधेश जी पूछिए। जी संजय जी, आपसे एक चीज मुझे सर पूछना है जी, कि जैसे आपने कहा कि लीगल राइट की जो हम लोग डिमांड की बात करते हैं, दूसरे एंगल से देखें कि जो भी कंपनी अगर किसी को हायर किया हुआ है, अगर उसके पास फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है, उस कंडीशंस में वो छटनी कर सकता है, उसके लिए वैलिड रीजन है, ठीक है। और जो लीगल राइट वर्कमैन की आती है, वर्कमैन की एग्जिस्ट करेगी, कहीं भी सस्पेंडेड नहीं किया गया, गवर्नमेंट हो चाहे किसी के द्वारा। तो आप इस कंडीशंस में
दोनों के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, वर्कमैन एंड कंपनी को? देखिए, वही मैं आपसे कह रहा था कि अभी जो स्थिति एक महीने की बात है, एक महीने के जो वेजेस पे करने हैं, अगर फाइनेंशियल पोजीशन की बात होती है, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लेकर के आती है कि आप रिट्रेंच नहीं कर सकते लोगों को, तो रिट्रेंचमेंट उनकी जो सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी है, उसको तो आपने एक तरीके से उसके लिए रिलीफ दे दी। दूसरी बात जो आती है वेजेस की बात आती है। अब वेजेस की बात के अंदर अगर ऑर्डिनेंस के अंदर ये बात आती है और वो सब्जेक्ट टू ये उसमें प्रोविजन हो सकता है कि फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए कि क्या वो 50% पे करेंगी उस महीने के लिए, 60% करेंगी, 70% करेंगी, 80% करेंगी। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, एकदम से किसी कंपनी का वास्तविक स्थिति है कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो मैं समझ सकता हूँ कि वो अपनी बैलेंस शीट दिखा करके बोलेंगे हमारे पास देने के लिए नहीं कुछ है तो हम कहाँ से देंगे जी। तो उस स्थिति में तो गवर्नमेंट को आकर के उनकी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि जहां तक वर्कमैन का प्रश्न है, इंडस्ट्री तो किस तरह से वो अपने, उनका तो रीजन है कि वो उसको रन नहीं कर सकते, लेकिन जो आदमी 20 साल से या 10 साल से काम कर रहा है उसके लिए कोई ना कोई फंड क्रिएट करके सरकार को फिर उनको पैसा देना जरूरी होगा। मुझे लगता है जो उनको सैलरी मिलती है वही उनको सैलरी मिलनी चाहिए। जो 10% और 20% कट की बात कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर ब्रैकेट के बाद हो सकते हैं, जिसको 1,00,000 रुपये मिलता हो, जिसको 60-70,000 रुपये मिलते हो उसमें से आप कट कर रहे हो, लेकिन जो मजदूर है जिसकी सैलरी बहुत कम है उसमें से कोई भी कट करने की मुझे कोई गुंजाइश लगती नहीं है, ना ऐसा होना चाहिए। और ये अगर उनकी राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट को प्रोटेक्ट करने के बाद जहाँ पेमेंट का सवाल आता है वहाँ सब कंपनीज अपनी बैलेंस शीट बताएंगी, उन बैलेंस शीट को देख करके, और जो भी आप फिलहाल इस सिचुएशन के अंदर जो भी या तो राइट्स आप देंगे किसी एग्जीक्यूटिव को देंगे कि भाई वो डिसाइड करें, मुझे लगता है एग्जीक्यूटिव को ना दे करके लेबर कोर्ट्स और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स के जो हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स उनको देख करके डिसाइड करें भाई कितना पैसा आपको देना है, लेकिन जो रिलीज होना चाहिए पैसा वो समय के ऊपर होना चाहिए, उस एडजुडिकेशन के अंदर कोई भी डिले नहीं करना चाहिए। संजय जी, मेरे पास उत्तर प्रदेश नजीबाबाद से एक प्रश्न आया है। ये सेंट मैरी स्कूल की एक टीचर है जिन्होंने अपना नाम ना लिखने का भी अनुरोध किया है, उनके यहाँ बकायदा एक लेटर जारी हो गया है जिसमें कहा है कि वो स्कूल टीचर्स जो वहां पर काम कर रही हैं उनको कोई वेतन नहीं दे सकते, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है इसलिए वो कोई वेतन नहीं दे सकते हैं। वो पूछना ये चाहते हैं कि अब इस स्थिति में जहां स्कूल इतने दिनों से रन कर रहा है, चल रहा है, यकायक उसने कह दिया है कि हम कोई नहीं तनख्वाह देना चाहते, तो अब इस स्थिति में वो क्या करें जी? देखिए, मैंने आपने जो स्कूल टीचर इनकी बात बताई, इनकी परेशानी और तमाम दूसरे लोग जो दूसरी जगह पर काम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में काम करते हों या किसी और फैक्ट्री में काम करते हों या दूसरे इंस्टीट्यूशंस में काम करते हों, सबकी स्थिति करीब करीब एक ही है जी, जी। उनकी उसमें स्थिति में कानून के अंदर कोई फर्क नहीं। जैसे अगर ये टीचर हैं तो टीचर के लिए उन्होंने एजुकेशनल ट्रिब्यूनल्स बनाए हुए हैं, या मुझे मालूम नहीं कि एडेड इंस्टीट्यूशन है, अनएडेड इंस्टीट्यूशन है, कैसा इंस्टीट्यूशन मुझे मालूम नहीं। अगर एडेड इंस्टीट्यूशन है तो नेचुरली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, अगर अनएडेड इंस्टीट्यूशन है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो फिर जो प्राइवेट स्कूल होता है उसको जब रिकॉग्निशन दिया जाता है तो इस बात के ऊपर दिया जाता है कि उनकी जो सैलरी होगी टीचर्स की वो उसके बराबर होगी जो गवर्नमेंट के जो टीचर्स होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो, या जो एडेड इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कराते हैं, तो सैलरी का वो बराबर रहता है। अब इस स्थिति के अंदर क्योंकि सब जगह ये बात हो रही है, इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा था कि आप कितने लिटिगेशन, क्या लाखों करोड़ों लिटिगेशन फाइल करेंगे और लिटिगेशन को लड़ते हुए क्या लोग मतलब पूरा जीवन इसी के अंदर खत्म कर देंगे। इसलिए जरूरी है अभी की सिचुएशन को देखते हुए कि एक तरीके का ऑर्डिनेंस लाया जाए, या फिर ऐसा होगा कि अगर ये सारी जगह हो रहे हैं तो क्या ऐसा संभव हो पाएगा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस तरह की याचिका लगाएं कि गवर्नमेंट को इस तरह के आदेश दिए जाएं कि इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन के अंदर वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी कदम उठाएं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्ट नहीं कर सकता कि वो कोई आप लेजिस्लेटिव एफर्ट्स लेके आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, ये पावर है कि अगर एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन के अंदर कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, या अगर लॉ एग्जिस्ट भी करता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर बहुत डिले होगा, जो अपने में अनजस्ट होगा, जो जस्टिस करना नहीं होगा, तब वो इस तरह के डायरेक्शंस 144 में, तो मुझे लगता है अगर कुछ नहीं होगा तो हम लोग वो भी ट्राई करेंगे कि जाकर के बोलें कि किसी भी जगह के ऊपर इस तरह से लोगों का रिटेंशन नहीं किया जाए। आसमा खान एक प्रश्न कर रही है संजय जी, सरकार महामारी अधिनियम के एक्ट के तहत और आपदा प्रबंधन अधिनियम एक्ट के तहत
जिस भी प्रकार के आदेश जारी कर रही है लॉकडाउन के दौरान, कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त किया जा रहा है और वेतन में कटौती की जा रही है, ऐसे में क्या संभव होगा एक पत्रकार के लिए या फिर गैर सरकारी संस्था के लिए? तो खासकर वो एक पत्रकार के लिए पूछ रहे हैं कि उनके यहाँ क्या स्थिति होगी, वो भी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं। जी संजय जी, देखिए मुझे वही चीज को उसको रिपीट करना होगा, क्योंकि जो आपने अभी मैंने बताया कि अभी की स्थिति एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। जी, जी। अब मान लीजिए इनको ये बताएं कि जो पत्रकार है, पत्रकार के क्या क्या राइट्स होते हैं, किस अवार्ड के अंतर्गत उनको जो तनख्वाह है वो मिलनी चाहिए, वो सारी की सारी चीजें बताना अभी के समय के अंदर, और इनको बोले कि आप अपनी रेमेडी के लिए किसी पर्टिकुलर कोर्ट में जाइए, वो तो संभव नहीं होगा। ना इस तरह की मैं कोई एडवाइस अभी की स्थिति में कर सकता हूं। सब जानना चाहते हैं कि अगर ये स्थिति इमर्ज हो गई है, सैलरी कटौती हो गई है, उन्होंने कंपनी ने मना कर दिया है कि वो नहीं देना चाहते और आप फायर हो जाएं, जो उसके राइट्स हैं, चाहे एक महीने का नोटिस है या एक महीने की सैलरी देने का, अगर वो राइट्स वो नहीं पूरे कर रहा है, अब इस स्थिति में जहां लॉकडाउन है, कानून अपना काम कर नहीं पा रहा है, अदालतें चल नहीं पा रही हैं, आप किसी अथॉरिटीज में लेबर कमिश्नर तक भी आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उस स्थिति में वो क्या करे? या तो इंतजार करता रहे या कम से कम ऑनलाइन ही कंप्लेन करे, तो वो अथॉरिटी कौन होगी? जरा थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप गाइड कर सकें, क्योंकि तो सैकड़ों लोग ये जानना चाहते हैं कि इस स्थिति में जब काम नहीं हो रहा है तब हम क्या करें। जी ठीक है, आपने ठीक प्रश्न पूछा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जी बात यह है कि अभी की स्थिति में जैसे आपने बताया कि हम जो छटनी का कानून है, उस छटनी के कानून को भी वो नहीं मान रहे हैं, और उन्होंने बिना कारण से सिर्फ ये बोला कि आप निकल जाइए, एक नोटिस दे दिया कि हम आपको पे नहीं कर सकते, आप निकल जाइए, जो अपने में बिल्कुल ही गैर कानूनी है। जी। अगर गैर कानूनी है तो आप जाकर के अपना जो प्रोटेस्ट है या जो पिटीशन है उसको, जो पहले की सिचुएशन है कानून के अंदर, अभी भी उसको आप दायर कर सकते हैं। जी अब बात यह है कि क्या अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्शन दिया है या हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, क्योंकि जितने भी ट्रिब्यूनल्स आते हैं जो स्टेट के अंदर है वो हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्शन दे सकता है कि जैसे ऑनलाइन की प्रक्रिया है, आप ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू करो ताकि वो जो पिटीशंस हैं इनके सारे पिटीशंस एंटरटेन हो। देखिए बहुत जरूरी है, हमारे यहाँ जो डिसीशन हुआ ना लॉकडाउन का, वो लॉकडाउन का डिसीशन बंद कर देना, सोशल डिस्टेंसिंग कोई समझ में आता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सालों तक चलेगी या छह महीने चलेगी, तो हम लोग क्या उनके राइट्स को, सारे राइट्स को सस्पेंशन में इस तरीके से नहीं ला सकते? संजय सर, इम्पोर्टेंट ये है कि अदालतें चल नहीं रही हैं, इस स्थिति में अगर किसी एम्प्लॉय के साथ इस तरह की जाती हो जाती है, तो मुझे ये बताइए संक्षिप्त में, बहुत मैं इससे जानना चाहूंगा कि क्या वो संभव है कि वो घर पे बैठ के अपने लॉकडाउन के दौरान वो ऑनलाइन कम से कम अपना सबमिशन कर सके, और वो करे तो किस अथॉरिटी को वो अपने जो उसके साथ जिस तरह की दिक्कत हुई है वो किस अथॉरिटी को एड्रेस कर सकता है वाया ऑनलाइन? ये जरा इस प्रश्न का थोड़ा सा उत्तर दे। देखिए ऑनलाइन पोर्टल्स आपको देखने पड़ेंगे कि अगर मान लीजिए ऑनलाइन पोर्टल्स जो जहां तक जुडिशियल फोरम की बात है अगर वो नहीं है, तो लेबर डिपार्टमेंट से संबंधित जो कमिश्नर्स हैं अगर उनके उनको देखना पड़ेगा कि उनके पास इस तरह के जो शिकायत है वो दर्ज हो सकती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है उसके अंदर आप वो इस तरह की शिकायत को दर्ज कर सकते हैं, अभी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के भी जो पोर्टल है उसके अंदर आप कम से कम कंप्लेंट्स तो डाली सकते हैं क्योंकि वो अवेलेबल है। तो जितनी भी आपको एग्जीक्यूटिव, मान लीजिए कोई नहीं है तो आपका जो कंसर्न कलेक्टर है उसको डाल सकते हैं, जो अभी नोडल ऑफिसर्स क्रिएट हुए हैं अगर उनका है तो उनको आप डाल सकते हैं, जहां पर भी आपको ये मिलती है सुविधा, जहां एवेन्यू है क्योंकि नोडल ऑफिसर्स क्रिएट हुए हैं अपने परेशानी के लिए, वो भी आप वहां भी डाल सकते हैं, तो उस अपनी जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं दर्ज कराना जरूरी है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये अश्योर जरूर कराना चाहूंगा कि अगर ये इस तरह की स्थिति चलेगी और गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह का कानून नहीं आया और लोगों की परेशानी बढ़ी, तो हम लोगों से, क्योंकि हम लोग तो जीवन पर्यंत ये काम करते रहे, तो इसको जो हम कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक ले जाना, तो सुप्रीम कोर्ट में जरूर इस बात को ले जा करके बोलेंगे कि ऐसी स्थिति के अंदर लोगों को किस तरीके से रिलीफ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा संजय जी को, बहुत वाइटल जानकारी आपसे मिली, और इसके साथ ही
जो आपने कहा कि कम से कम नहीं अगर अदालतें काम कर रही हैं तो हम लोग अपने जो लेबर डिपार्टमेंट है या अपने जिला अधिकारी हैं उनको ही ईमेल के माध्यम कम से कम सवाल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं सबका धन्यवाद करता हूं, नमस्कार, फिलहाल के लिए नमस्कार जी, नमस्कार, थैंक यू जी, थैंक यू संजय सर, थैंक यू सो मच जी।